How many types of offsets in 990 TDC lathe controller? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे, सब फिट फाट होंगे। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि 990 लेथ कंट्रोलर में कितने ऑफसेट्स होते हैं और इन ऑफसेट्स को कहां और कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब तक हमारे जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव CNC कंट्रोलर से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अब हम अपने कंट्रोल की स्क्रीन पर आ गए। कंट्रोल की स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के ऑफसेट्स होते हैं, सबसे पहले सेटअप और दूसरा टूल। तो हम इस तरह करते हैं, अपने पहले सेटअप ऑफसेट को देख लेते हैं। ये कीबोर्ड के ऊपर ही आपको दोनों एक सेपरेट बटन मिल जाते हैं, ये सेटअप का बटन है ऑफसेट के लिए और एक टूल का है। हम सेटअप को पहले देख लेते हैं। सेटअप को देखने के लिए पहले हम सेटअप बटन को प्रेस करते हैं। जो सेटअप का ऑफसेट है ये कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू को सेव करता है, G54, 56, 7 और 8, 9। इसी तरह जब 9 से आगे वैल्यूज़ अगर आपने जाना हो तो 54.1234 करके इस तरह 9 तक जाती है, फिर इसी तरह 54.2345 इस तरह करके ये ऑफसेट तकरीबन ऑलमोस्ट ये 60 ऑफसेट्स होते हैं। ठीक है, ये मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो हम ऑफसेट में जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इसे होम करवा लेता हूँ। ये रिटर्न का बटन प्रेस किया, 0 प्रेस किया और हमने पहले होम की कमांड दे दी। ठीक है, ये होम हो गई मशीन, ये फ्लोट 0 इस वक्त होम हुई है मशीन। तो अगर आप फ्लोट 0 के बारे में नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना लूँ। अगर आप इसके फ्लोट 0 होम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम इस तरह करते हैं कि हम सेटअप में गए। सेटअप में जाके हमने एक्स को प्रेस किया, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं 10 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह सेटअप को प्रेस करके जेड को प्रेस किया और ये मैं कर देता हूँ जनाब, इसको भी मैं 10 एंटर कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि रिडीम में जाके ये देखें, रिडीम में वैल्यूज़ एंटर नहीं हुई, ठीक है। हम जाएंगे इसकी वैल्यूज़ को देखने के लिए पैरामीटर में और बी को प्रेस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स का पेज सामने आ गया, देखो बी को प्रेस किया, COOR ये ऑलरेडी इस पे लिखा हुआ है। तो हमने इसको प्रेस किया तो ये देखें 10 वैल्यू जो है वो यहाँ पर एंटर हो चुकी है, ठीक है। इस तरह जेड की वैल्यू भी 10 एंटर हो चुकी है। कर्सर जेड, हमने कर्सर को अब एक्स के ऊपर रखा और एंटर किया तो ये देखें एक्स ओवर कोऑर्डिनेट G54, ठीक है। इसी तरह जेड की वैल्यू देखी और ये हमारी जेड की वैल्यू यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। हम वैल्यूज़ को हम यहाँ से भी डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और हम यहाँ सेटअप के बटन के थ्रू भी हम वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों से एंटर कर सकते हैं। ये समझ लें, ये जो सेटअप का बटन है ये हमारा एज अ शॉर्ट की काम करता है। तो इसी तरह हम G55 में अगर वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले MDA में जाके यहाँ पे G55 डेल प्रति G55 आ गया, मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो हमारे सामने G55 के कोऑर्डिनेट आ गए। ये स्क्रीन पे यहाँ पे G55 लिखा आ गया। तो G55, अब हम जब सेटअप को प्रेस करेंगे, एक्स को प्रेस किया तो वैल्यू जो हैं वो G55 में आएगी। 20 लिख के मैंने एंटर कर दिया, फिर सेटअप को प्रेस किया, जेड को प्रेस किया और फिर 20 लिख के फिर मैंने एंटर कर दिया। अब ये वैल्यू हमारी G55 में एंटर होगी। मैंने पैरामीटर प्रेस किया तो अब यहाँ पे आप देखें ये कोऑर्डिनेट पेज हमारे सामने हैं तो ये G55 की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू और कर्सर को डाउन किया और ये जेड की वैल्यू, दोनों 20 20 आपके सामने एंटर हो चुकी हैं। जबकि हम रिडीम में वैल्यूज़ एंटर नहीं हुई, ये वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स में एंटर होती हैं, ठीक है। तो अक्सर ऑपरेटर ये मिस्टेक करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है कि वो अपनी वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स में एंटर कर रहे होते हैं और प्रोग्राम वो टूल के हिसाब से बना रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑफसेट में प्रोग्राम बनाएंगे तो इसके लिए आप प्रोग्राम के स्टार्ट में G54 लिखेंगे, उसके बाद आगे आपने फर्दर कोड M03 RPM वगैरह और कोऑर्डिनेट्स एंटर करने हैं।
ठीक है, और जब भी हम इस सेटअप को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा सेटअप हो गया, और सेटअप के बाद हम जाते हैं अपने दूसरे ऑफसेट में, वो है हमारा टूल ऑफसेट। तो सामने बटन है कीबोर्ड पे, तो टूल को प्रेस किया। अब इसमें आप इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट दोनों वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट में यहाँ देखें आप, एक्स लिखा हुआ है, फिर सारी इंक्रीमेंटल के लिए यू है, जी के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जी है, और इंक्रीमेंटल के लिए डब्ल्यू है। मैं इसी तरह पहले जी को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं G56 का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि G55 ऑलरेडी यूज़ हो गया है। तो मैं टूल में यहाँ से जाता हूँ पहले MDI में, और G56 में हम इस वैल्यू को एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मैं टूल को प्रेस किया, एक्स को प्रेस किया, और मैं पहले इस तरह करता हूँ, पहले जी को मूव कर लिया। जी को मूव करके कोई भी वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं एक्स को सपोज हमने टच करवा लिया हमने अपने डाई पे। अब एक्स को डाई पे टच करवाने के बाद मैंने एक्स की वैल्यू ली, और यहाँ पे मैंने सपोज 30 mm डाया था। तो 30 mm हमारे पास किसका डाया था, तो डाई के ऊपर जब मैंने टूल को टच करवाया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे जो हम डाई पे टच करेंगे। इस तरह जब मैं टूल को प्रेस करके जी को प्रेस करूँगा, मैंने फेस के साथ टच किया, तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग का मेथड है, जब हम फेस के साथ टच करते हैं तो हम उसको एज अ जीरो रेफरेंस लेते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे जीरो एंटर करके ये एंटर किया। अब हमारी जो मशीन है वो 30 mm डाई पर है, और जीरो पोजीशन जेड एक्सेस में इस वक्त मौजूद है। तो मैं अब जब रिडीम में जाके देखूंगा तो ये वैल्यूज होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस वक्त ना एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जो है ना वो सामने रखे हुए हैं। इस तरह मैं इसको वापस उसी पोजीशन पे ले आता हूँ। ये बिट पैरामीटर में ना 15 नंबर पैरामीटर है ये। अब हम राइट साइड से काउंट करते हैं, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 नंबर पैरामीटर है। इसको मैं 1 करूँगा, तो अब जो हमारे डीम की वैल्यूज है, ये है वियर ऑफसेट है ये, ठीक है। इस वक्त हमारी स्क्रीन वियर ऑफसेट शो कर रही है। तो जो टूल पैरामीटर्स हैं वो हमेशा ज्योमेट्री ऑफसेट में जाते हैं। तो जब हमने अपने ज्योमेट्री ऑफसेट को देखना हो, तो उसके लिए हमने पैरामीटर में जाना है, अदर पैरामीटर में जाना है, ए को प्रेस करके, और फिर ये बिट पैरामीटर है यहाँ एंटर करके, हमने जो 15 बिट जो है ना इसको हमने ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो पे करेंगे तो ये हमारी शो करेगा ज्योमेट्री ऑफसेट्स। रिडीम में गई, ये ज्योमेट्री ऑफसेट आ गए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डाया के मुताबिक ही इसने करना है। ये जो प्लस माइनस हमें करना पड़ता है ना, वो कैलकुलेशन ही हमें करनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट ही जो है ना वो जो रेडियस है वो माइनस करके हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस। ये देखें 116 वैल्यू एंटर होगी, और जेड की वैल्यू डायरेक्ट वैसे ही एंटर हुई है बगैर कैलकुलेशन के। तो ये एक अच्छी जो है वो की है इस कंट्रोलर में, कि इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इन कीज़ को यूज़ करना चाहिए। वैसे हमें करना पड़ता है कि जेड पहले एक्स एक्सिस के डाया को टच करते हैं, डाया को टच किया, डाया को फिर हमने मैन्युअली मैयर किया, 30 mm डाया था, तो 30 mm डाया को टच करके फिर उसके अंदर हम वैल्यू और उसमें से ना जो है वो प्लस या माइनस करते हैं, ताकि हमारा टूल जो है वो सेंटर में आ जाए। तो इसका ये फायदा, हम डाई को टच करवाते हैं, 30 mm डायरेक्ट एंटर किया, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू एंटर हो जाती है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जिससे एक्सीडेंट का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऑफसेट में और टूल में क्या डिफरेंस है, इसका ये मेजर डिफरेंस आपको बता दूँ। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, G54 जो है हमारा कोऑर्डिनेट है, और G54 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो टूल की वैल्यूज़ आती हैं। हर कोऑर्डिनेट के अंदर आपके 8 टूल हैं, ठीक है। अब फर्ज करेंगे G56 है ना सामने, G56 के अंदर ये हमारी टूल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हर कोऑर्डिनेट के अंदर ये 8 8 टूल्स हैं ना, उसके ऑफसेट्स आप सेव कर सकते हैं। तो इसका जो मेन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिया।
ये कॉन्सेप्ट उनके लिए, जो वीडियो, जिन लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है, ये उनके लिए एक एक बहुत ही प्रो टिप है। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है सेटअप वाला, वो गैंग टूल के लिए यूज़ होगा, और जो टूल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो टूल के ऑफसेट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं टरेट के लिए या टूल चेंजर के लिए, ठीक है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा। ये थी हमारी वीडियो, और मुझे उम्मीद है मैं अच्छी तरह अपने पॉइंट को कन्वे कर सका हूँ। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, इस वीडियो ने आपको कोई वैल्यू दी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।